पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने में लगी है। उन्होंने कहा, वे हजारों बीपीएल कार्ड धारकों के लिए करेंगे आंदोलन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने हरिद्वार स्थित बीएचईएल की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर विरोध जताया। रावत ने यूसीसी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए हजारों बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आंदोलन करने की बात कही। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं। 2018 में भी इसी तरीके का एक समिट हुआ था जिसमें एक लाख पच्चीस हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे, तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं, ये भी कहाँ कहाँ हैं, आसमान में कहाँ कहाँ तैर रहे हैं, जरा आप देख लेंगे तो हमको भी बता दीजिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।